पिंटू, ओए पिंटू, क्या हुआ? कुछ नहीं। किधर कुछ हा? कुछ नहीं हुआ तो रो क्यों रहा है? मैं रो रहा हूँ? नहीं भाई, कुछ नहीं। तुझे कोई गलत फहमी हुई है? गलतफहमी? मुझे? पिंटू, तुझे पता है तू मुझसे कभी कुछ छुपा नहीं सकता। तू मेरा छोटा भाई है और मैं तेरा बड़ा भाई। अरे पिंटू, अरे क्यों, क्या हुआ? अरे क्यों रो रहा है भाई? अरे तू एक काम कर, तू उठ। अरे अरे उठ, उठ और मेरी तरफ देख। पिंटू उठ और मेरी तरफ देख। अभी सीधे सीधे बता क्या हो रहा है। अरे पिंटू, क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है? बॉडी गर्म हो रहा है क्या तेरा? नहीं तो क्या हो रहा है तुझे? मतलब सिर दुख रहा है क्या? रैम कम हो रही है क्या? अरे भाई बता ना क्या हो रहा है यार तुझे? क्या हुआ, डीवीडी ड्राइव तकलीफ दे रहा है कुछ? नहीं तो क्या हो रहा है, सी ड्राइव फुल हो गया? तुझे उल्टी आ रहा है? मैं अब भी क्लियर करता हूँ सी ड्राइव। नहीं, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई मैं सर्विस सेंटर जाते हैं क्या? तुझे अच्छा लगेगा, बोल, करूँ अपॉइंटमेंट फिक्स? नहीं भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई तू ये क्या बोल रहा है? तू जानता है तू मेरा छोटा भाई और मैं तेरा बड़ा भाई, और बड़ा भाई तेरे लिए कुछ भी कर सकता है यार। मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूंगा। ऐसा क्या, ऐसा क्यों बोल रहा है यार? बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कभी रिप्लेस नहीं करता। पिंटू, मैंने कल सब सुन लिया था। हेलो। हाँ, मुझे ना मेरा पुराना लैपटॉप रिप्लेस करके नया एसुस वीवो बुक 15X507 खरीदना था। तुझे लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। सॉरी यार पिंटू, मैं तुझे बताने ही वाला था, लेकिन 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 क्या? तुझे याद है वो दिन जब पहली बार मैं इस घर में आया था? तू कितना खुश था उस दिन। पूरा पूरा दिन तू मेरे साथ खेलता था, कितना प्यार करता था मुझे। यार तू तो बहुत सही है यार, आज से तेरा नाम पिंटू। और अब तू मुझे रिप्लेस करना चाहता है? तो यार पिंटू मैं क्या करूं? तुझे पता है मुझे कितना काम होता है। आई एम अ यूट्यूबर, मुझे एवरी वीक यूट्यूब पे परफॉर्म करना होता है। एंड आई हैव टू परफॉर्म बियॉन्ड द एजेस। आई वॉन्ट पीपल टू रिकॉग्नाइज मी एंड माई चैनल। तो फिर ये तो तू मेरे साथ भी कर सकता है, उसके लिए नया लैपटॉप की क्या जरूरत है? यार देख पिंटू, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता। तू अच्छा लैपटॉप है, लेकिन तो भी पुराना हो गया और स्लो भी। अच्छा, तो अब मैं पुराना हो गया हूँ तेरे लिए? तो उस लैपटॉप में ऐसा नया क्या है? देख बुरा मत मान, लेकिन न्यू एसुस वीवो बुक एस की बैटरी लाइफ तेरे से ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। बस और तुझे पता है न्यू एसुस वीवो बुक एस में फास्ट चार्जिंग है। इट कैन गेट 60% चार्ज विद इन जस्ट 45 मिनट्स विद 8 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। और और उसमें नैनो एज बेजल है, 80% स्क्रीन टू बॉडी रेशो, क्या बात कर रहा है। और उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। मतलब एक टच में लैपटॉप शुरू, सोच मेरा कितना टाइम सेव होगा। और तो और वो दिखने में भी इतना स्टाइलिश और एकदम पावरफुल है। इट इज़ वेरी थिन एंड लाइट इन वेट ब्रो। यार ये तो सब लैपटॉप का बाप है रे। यार इसीलिए तो हम बाइंग इट ना,
एक बार फुल चार्ज कर लिया तो दिन भर में कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ, मेरा कितना टाइम सेव होगा, ऐसा किधर भी जाके चार्जिंग के लिए स्पॉट ढूंढने का जरूरत ही नहीं अब मुझे। वाओ यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ यार, नाउ आई कैन क्रॉस ऑल माय लिमिट्स एंड जस्ट वर्क बियॉन्ड द एजेस। और इस लैपटॉप का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन देख के ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही बना है। इट इज अ नोटबुक फॉर परफॉर्मर्स एंड नाउ माय परफॉर्मेंस इज गोइंग टू गेट इवन बेटर। ओके, आई अंडरस्टैंड। देख पिंटू, मुझे पता है कि तुम्हारा सबसे पहला लैपटॉप है, पहला प्यार और पहला लैपटॉप हमेशा याद रहता है, और तू भी मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन यार, मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए Asus VivoBook S की जरूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो। थैंक्स ब्रो। Asus VivoBook S, a notebook for performance. Live life beyond the edge.